जल्दी आ गए। ये क्या है? डैडी, वो तमाम चीजें हैं जो कैदो खोजी ने मांगी थी, मुझे अचानक जंगल में पड़ी हुई मिली। और जानते हैं, गैबी औरत की आवाज भी आई थी मुझे, मैंने अपने कानों से सुनी है। डैडी, रियान, शुरू और अखीर की मुर्गी लिए है, दरमियानी हिस्सा किधर छोड़ रहे हो? गैबी आवाज, कह दो ये क्या माजरा है? कोई मददगार थी जो आप लोगों का भला करना चाहती है। हाँ, मगर वो चीज क्या है? वो चीज बड़ी थी, मस्त मस्त। कुछ चुड़ैल, कोई भूतनी, कोई पिछल पैरी होगी। ये जंगल है इश्फाक मियां, यहां इंसान के अलावा सारी मखलूकें होती हैं। मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी चीजें यहां हैं। लेकिन तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक तुम इनको तंग नहीं करोगे, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जंगल से डरने की क्या जरूरत है बीबी? अपने बुरे अमाल से डरो, किसी का हक खाने से डरो। अरे, आग जला। चिल्ले का टाइम हो गया है। रानी, मुझे ये तेरी बड़ी बहन का घर बड़ा अजीब सा लग रहा है। क्यों? खौफ आ रहा है मुझे। लो जी, खास शरबत है ये। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी लालू? ठीक हो ना तुम? बेहतर। शाम, रानी मुझे बचा। कुछ नहीं हुआ, घबरा नहीं, कुछ नहीं कहता, चुप बैठा रहे। क्या हुआ लालू? ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मेरा पालतू है। मेरा पालतू है? तू भी अजीब ही इंसान है। लोग कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, तूने नाग पाल रखे हैं। मेरा तो रात दिन का साथ है, यही तो काम है मेरा। क्या मतलब? इसके अलावा और भी हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। वो देखो, एक तो बाहर छुप के बैठा है और अंदर तो बहुत सारे हैं, हर किस्म के। रानी, रानी चलो उठ। अरे, हमने यहाँ नहीं रहना, हम निकलते हैं यहाँ से। कहाँ चलते? कहाँ जाएगा? हम अपने अड्डे पे वापस जाएंगे। पागल वागल हो गया क्या? हैं, कैसे जा सकते हैं अपने डेरे पर? दुश्मनों की नजर है हमारे अड्डे पे, अगर हम वहां गए तो खतरे से खाली नहीं मारे जाएंगे। चल बैठ जा चुप करके। लेकिन मैं नागों के बीच में नहीं रह सकता, मुझे इस पाशी के साथ नहीं रहना। अजीब इंसान है, एक मुश्किल से बचा कर लाई है तो मौत के मुंह में डाल दिया। इधर देख, इधर मुंह उल्टे हाथ का देगी रानी, अगर एक लफ्ज भी निकाला मुंह से। चुप कर जा, वरना इसी नाक से डसवा देगी तुझे। चुप।
नहीं बैठूंगा मैं। पाशी दसवा दिस को। नहीं 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 पाशी नहीं। बिल्कुल। अच्छा देखो लालू, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि तुम्हारी हिफाजत करेंगे। रानी चलो मुझे बचा ले। नहीं पाशी नहीं। अच्छा हाथ तो लगा, प्यार कर, हाथ तो मिला कर लो। शरबत तो पियो। ये ले। चेहरे से लगता है फिर कोई दौरा पड़ा है तुम्हें। मैं तुझे दुहाई दे दे के थक चुकी हूं। मेरे हिसाब जवाब दे चुके हैं, तुझे खुदा का वास्ता मुझे जाने दे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। पहले अपने असल रूप में आ जाओ। असल रूप क्या मतलब? मतलब ये कि पहले नागन बन के दिखाओ, फिर चले जाना। मैं नागिन बन जाऊं मगर कैसे? चेहरे का भोलापन तो देखो, जैसे कोई अनहोनी बात कह दी। महक, मैं जान चुकी हूं कि तू एक नागन है और तूने मुझसे अपनी असलियत छुपा रखी। तुझे कोई शदीद गलतफहमी है, मैं नागिन नहीं इंसान हूं। महक, मुझे तुझ में से बू आती है इच्छाधारी नागिन की। मगर तुमने अपना आप मुझसे छुपा रखा है। पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। हैरत हुई ना महक, तू जितने चाहे जतन कर ले तुझे आजादी नहीं मिल सकती। जब तक तू अपनी असलियत जाहिर नहीं करती। मैं तुझे किस तरह यकीन दिलाऊं मैं कोई नागिन नहीं इंसान हूं? मेरी बात का यकीन कर। या अल्लाह मुझे इस काली से निजात दिलवा दे। हाँ तो आप लोग तैयार हैं? हाँ आप तो ज्यादा ही तैयार हैं। लगता किसी शादी पे आए हुए हैं। भाई साहब जंगल में आपका क्या आइटम सॉन्ग है आज? कह दो ये मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी करो तुम। कह दो हम पहले परेशान हैं, मेहरबानी करके महक को अगवा करने वाले का पता चलाओ। आपकी फिक्र बिल्कुल जायज है। बेटी एक मिनट के लिए आंख से ओझल हो जाए तो मां की जान पर बन जाती है। और फिर महक को तो अगवा हुए काफी दिन हो गए हैं, आप पर क्या गुजरती होगी मैं समझता हूं। अगर समझ सकते हो तो सीधे तरीके से हमारा मसला हल करो। कह दो वो शेरू का जिक्र किया था तुमने, उससे कब मिलवाओगे? बस एक बार इस आग में अगवा करके नक्श मिल जाएं, फिर हम शेरू तक पहुंच सकते हैं। तो फिर जल्दी करो, इतना वक्त क्यों लगा रहे हो तुम?
जरा सब्र रखें, पाए पकाने में कुछ टाइम तो लगता है ना। ओ, माफी चाहता हूँ। कुकड़ बोले कुकड़ू कुकड़ू सोया क्यों है ऊंचा तू, गर्भ के चल्लो नार दे मनमान का कच्चल पांडे टीले साम लोगों आगे बदल शाबान। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, किस्त लाए हो? अब कैसी किस्त? ओ, वो जो तूने मुझसे किस्तों पर पंखा लिया हुआ था, आप फील मत कीजिएगा, इनके साथ हमारा मजाक चलता है। सलमान तुम? अरे सलमान तुम यहां क्या कर रहे हो? देखिए डैड, अगर महक आपकी बेटी और रयान की बहन है तो ये मत भूलिए कि वो मेरी बीवी भी है, इसीलिए मेरा भी हक बनता है उसके अगवा के पीछे की असली हकीकत जानने का। ये अचानक तुम्हें इतनी फिक्र कहां से होगी महक की? आप लोग जब भी जंगल में आए हैं आप लोगों के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे आने से शायद थोड़ी मदद हो जाए। अब अगर सवालों का सिलसिला खत्म हो गया हो तो मैं बैठ जाऊं? बैठिए बैठिए जी आया नू, चाय पानी तो पी आया नू। तशरीफ रखें तशरीफ रखें। आप लोग एक बात मेरी गौर से सुन लें, केस अमल के दौरान शैतानी ताकत आपको डराने की कोशिश करेगी और आप लोगों ने डरना नहीं, हिम्मत को बांधे रखना है और इस आग में उस मकार का चेहरा देखना है जिसने आपकी बेटी महक को अगवा किया है। याद रहे, आप में से जो डर गया वो मर गया। हम सब तैयार हैं, तुम अमल शुरू करो। कुकड़ बोले कुकड़ू कुकड़ू सोया क्यों है उठ जा तू। लालू तो कह रहे थे कि तू सो रहा है, ये सो रहा है तू? हाँ मैं सो रहा था, नींद में भी मुझे सिर्फ तेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा था। मैंने तो तुझे तेरी कदमों की आहट से पहचान लिया। के रानी अपने राजा से मिलने आ रही है। आप बैठ बैठ। मैं जानती थी कि तू प्यार में डंडी मारता है, हेरा फेरी करता है, मगर ये नहीं जानती थी ना कि तू फरेब भी है, धोखेबाज भी। छोड़ के चला गया ना मुझे, ये नहीं जानती थी कि छोड़ जाएगा, इतना बड़ा फरेब करेगा मेरे साथ, सारी उम्र का वादा कर साथ देगा, मुझे अकेला छोड़ के चला गया इस दुनिया में, किसके सारे जोड़े गए थे तो के बाद। अगर मैं ये जानती ना कि तू ऐसे से मर जाएगा, से मर के मुझसे जान जुड़ाएगा तो मैं तुझे मारने नहीं देती। एक बार तू सामने आ जा, खुदा की कसम मैं तुझे अपने हाथों से गोली मार दूंगी।
मेरे सीने को छन्नी कर देती गोलियां मार मार, मगर अपने हाथों से मार नहीं रही तुझे, ऐसे मरने नहीं देती तुझे। क्या समझते हैं तुम अपने आप में? तुझे लगता था कि रानी अकेले रह नहीं सकती मेरे बगैर, मर जाएगी। रानी जिंदा और जी के दिखाएगी रानी अपने, रानी को कुछ नहीं होगा। क्यों मैं झूठी हूँ? झूठी मैं तुझसे झूठ बोलूँ तो? मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मैं इंसान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक नागिन हूं, इच्छाधारी नागिन, जिसने इंसान का रूप धारी किया है तेरे खाते, तेरे प्यार के खाते। मैंने नागिस्तान छोड़ा, अपनी नगरी छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, अपने बहनें छोड़ के, तेरे खातिर, तेरे देश के बस के, तेरे पीछे, तेरे इश्क में पागल, अपने खानदान वाले, अपने लोग, अपने गांव वाले सब छोड़ के तेरे पीछे, और तू मुझे छोड़ के चला गया हमेशा की। मट्टी के नीचे दफन, तू मुझे झूठी कहता था, मुझे झूठी कहता था कि मैं झूठ बोलूंगी। चलो नार दे मनमान के कच्चे भांडे की मैं आगे बदल, मैं कल्ली हवेली आ बैठी गल आपसे आपा पा बैठी, मैं टप फड़ा के टप फड़ा, मैं लत फड़ा के चक फड़ा, वो आंदा वांग तवाना दे, वो आंदा ही ठंडा हो जांदा जिवें ठंडी पर पहाड़ा दी सहेली दूर सो यारां दी तांगे दी गतियां पाटियां ने, ये दो ही गतियां साडियां ने, मेरे जिस्म च बोटियां पारा है, मैं साइकिले विच चंगी आ तेरी वैगन चलो नहीं रहिंदी, मैं पुत्रा विच बठा दे तू सांदे डब्बे पाटे ने, ये सारे डब्बे साडे ने, सारे डब्बे साडे ने, गिरत छुपा सब लोग इस सांप के अंदर गौर से देखें। आतिश में अक्ष दिखेगा, अगवाकार का नक्श दिखेगा, नक्श दिखेगा, नक्श दिखेगा। कह दो ये जो आग में नजर आ रहा था ये कौन था? कौन नहीं, ये आइसक्रीम था। खोजी तुम फिर से शुरू हो गए। फिर से शुरू हो गए? मैं क्या बिरयानी खा रहा हूं? ये आतिशी अस्तहा है। आतिशी अस्तहा जो आग से बना हुआ खतरनाक सांप, यही यही आपकी बेटी है, यही आपकी बेटी को उठा कर ले गया है। आतिशी अस्तहा, लेकिन ये हमारा दुश्मन क्यों है? ये दुश्मन आपका नहीं, आपके दुश्मन का गुलाम है, जो मिले हुए हुक्म की तामील कर रहा है। तो हमारा
असली दुश्मन कौन है? ये तो आतशी अजदहा के मिलने के बाद ही पता चलेगा। सलमान, आई एम वेरी सॉरी, मैं बिना वजह तुम पे शक करता रहा, मुझे नहीं, मैं महक की वजह से बहुत परेशान था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इट्स ओके रेहान, मेरा और महक का रिश्ता कई पेचीदगियों का शिकार रहा है, तो एक तरह से तुम्हारा शक करना जायज भी था। कैरी इट ओवर विद। ये खोजी मेरे हाथों से इस तरह गायब होगा कि फिर दुनिया का कोई भी खोजी इस खोजी की खोज नहीं लगा पाएगा। सलमान, किस सोच में गुम हो? ये होश में रहने का वक्त है। होश में तो हमें रहना चाहिए था इश्वाक, हमारे लालच ने हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। मैं अगवा हो गई, रयान कितना अरसा लापता रहा। गुजरे कल में जो कुछ हुआ अरफाब, उस पर पछताने का क्या फायदा है? लगता है हमसे बहुत बुरा काम हुआ है, जिसकी सजा हमें बार बार मिल रही है, मिलती रहेगी। बीते कल की दहलीज को पार करके आज में दाखिल होकर सोचो कि आने वाले वक्त को कैसे संवारा जाए। अम्मी जान, डैड, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसा बीता हुआ कल, कौन सी गलती? अगर आप लोग गलती बता दे तो हो सकता है मैं कोई इसका हल बता दूं। वो तुम सिर्फ इतना बताओ कि आतिशी अजदे तक किस तरह पहुंच सकते हैं हम? एक मिनट, आप लोगों पर ऊपर वाला मेहरबान है, शेरू का राबता हो गया है, अब हमें बिना वक्त जाया किए इस जंगल के खतरनाक और शातिर मखलूक शेरू से मिलना चाहिए। वो ही बताएगा कि इसके आगे क्या करना है। आओ सब, सभी आओ। कुकड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है, उठ जा तू, उठ जा तू, उठ जा तू। मुझे कुछ भी करके महक को यहां से फरार कराना होगा। इसको जंगल में ले जाकर इसकी गर्दन काट दूंगी। एक दफा इसकी खून आलूद लाश हवेली पहुंच गई तो मजा आ जाएगा। अरे सनम जहां तू, और सुनाओ हवेली में सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। डूब के मर जा सनम जहां, तेरे होते हुए तेरे दुश्मन जिंदा है। इस बात पर हम शर्मिंदा है। काली मैं क्या करूं, मुस्कान हर बार हवेली वालों को बचा लेती है। जाओ। खुदा के लिए मुझे घर जाने दे, मेरे सब घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। चल अब जहां यहां से, मुझे सनम जहां से कुछ बात करनी है। मुझ पे रहम कर काली, मैं अपने सब घर वालों के होते हुए भी
उनसे दूर हूँ, तरस रही हूँ उनके लिए। मुझे जाने दे प्लीज, मुझ पे रहम कर। मुझसे ये इंसानी बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती। काली ने महक को इच्छाधारी क्यों कहा? तेरे सीने में दिल नहीं पता है काली, मेरा अल्लाह तुझसे हिसाब लेगा, याद रखना। जाओ, दफा हो जाए यहां से। अच्छा, महक ने मुस्कान की अंगूठी पहन रखी, शायद इसी वजह से काली इसको नागिन समझ रही है। काली, क्या महक नागिन है? हाँ, महक से मुझे इच्छाधारी की खुशबू आती है। इसने कभी तुम्हारे सामने रूप बदला है? रूप कभी नहीं बदला, लेकिन मेरा इलम ये कहता है कि ये इच्छाधारी नागिन है जो हवेली में महक बनकर रह रही है। तो असली महक कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मुझे काली की गलतफहमी दूर नहीं करी। काली, तुझे ये महक नागिन कहाँ मिली? एक सपेरन है पाशी, वो इसे मेरे पास लेकर आई थी। तो क्या पाशी जानती है कि महक नागिन है? नहीं, अगर उसे मालूम होता कि महक एक नागिन है, वो उसे मेरे हवाले कभी नहीं करती। खैर, छोड़ो महक। जो होना था हो गया, अब तेरी कोख उजड़ चुकी है। किस्मत का लिखा मान और भूल जा। नहीं, हरगिज नहीं, मैं अपना बदला लिए बगैर नहीं बैठूंगी। मैं दिलबर को ऐसी मौत दूंगी कि नाग देश की तारीख लिखी जाएगी। क्या पिति और क्या पिति का शोरबा। क्या मतलब? मतलब ये कि दिलबर एक नाग राजा है और तू एक मामूली सी नाग। उसे मारना इतना आसान नहीं है। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे सनम जहां, तू हवेली में देख क्या हो रहा है। और हाँ, बहुत शान से भी है, तुझे जब उसकी जरूरत महसूस हो तू उसे बुला लेना। चल अब जा यहां से, जा। लबदे लबदे शेरू असी आ गए आ पाई फेरू, लबदे लबदे शेरू असी आ गए आ पाई फेरू। सुबह दे टुरदे शाम हो गया लगू होर कितनी देरू, ओ लब जा पाई शेरू असी निकलाया पाई फेरू। आज भी आज रुक जाओ, वो हमें यहीं मिलेगा। कौन? वो इस शेरू, हमारा मददगार। ये देखो, ये उसकी खुराक बताती है कि वो यहीं है। ये देखो, ये उसने मनासब सा मच भी लगाया हुआ है। ये तो टू मच है। मतलब है कि शेरू यही कहीं आसपास है। वो
कैसी आवाज है? तुम खामोश रहो अरफा। किस बला की आवाज है? कहीं याद की अदा तो नहीं? खामोश रहो। कुकड़ बोले कुकड़ो, हौसला पकड़। क्यों करता है तू? ये जो भी बला है ये अब हमारे सर पे आ चुकी है। मैंने आपसे कहा था इसकी मत आइए बेवकूफ आदमी। अबे अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन हमारी जान को तो खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा टांग या बाजू कट सकता है, बाकी सब ठीक है। बकवास बंद करो अपनी, अगर हम में से किसी को खरोश भी आई ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। नहीं नहीं खरोश नहीं आती, आपकी कौन सा नया रंग करवाया है, मतलब चरीट पड़ जाएगी। तो वो देखो सामने